आप 4000 का इंजेक्शन लेते हो बास्तान गरीब कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की रोजाना देश भर में कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। इस बीच शुक्रवार रात ऐसा ही एक मामला अजमेर में सामने आया। यहां पुलिस ने 4000 रुपए की कीमत के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 23000 रुपए में बेचने के शक में दो युवतियों को पकड़ा। इस बीच पुलिस गिरफ्त में आए दोनों युवतियों ने उल्टा खुद को ही मामले में ब्लैकमेलिंग का शिकार बताते हुए FIR दर्ज कराई है। मामले में पुलिस को युवतियों की शिकायत करने वाले परिवादी आशीष सोनी ने बताया कि शुक्रवार को एक परिचित संक्रमित की पत्नी उसके पास रोते हुए रेमडेसिविर के लिए रुपए उधार लेने आई। महिला ने बताया कि उसके पति की जान बचाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत है। महिला ने एक मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी दी, उसे किसी ने यह नंबर दिया था। इसके पास इंजेक्शन है लेकिन 25000 रुपए मांग रही है। सोनी ने महिला से मोबाइल नंबर लेकर कॉल किया तो वहां से एक महिला ने बात की, रेट कम करने को कहा तो उसने कहा कि 23000 से कम में इंजेक्शन नहीं मिल सकता। सोनी ने 3 इंजेक्शन की जरूरत बताते हुए सौदा पक्का कर लिया। उस महिला ने पहले सोनी को स्वामी कॉम्प्लेक्स के निकट और बाद में अजमेर क्लब के पास बुलाया। यहाँ कार में सवार भूमिका और प्रियंका इंजेक्शन लेकर पहुंची थी। सोनी ने मौका देखकर कार का गेट खोलकर उनके कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद कर लिए और पुलिस को बुला लिया। कोटड़ा निवासी भूमिका और प्रियंका को NGO कार्यकर्ता आशीष सोनी की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा था। युवतियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए थे। पुलिस को दिए बयान में दोनों बहनों ने खुलासा किया है कि उनके माता पिता भी कोरोना से संक्रमित है। पिता JLN अस्पताल में और माता पुष्कर रोड स्थित मित्तल अस्पताल में भर्ती है। इसके लिए उन्होंने खुद जयपुर के एक MR से ब्लैक में ये इंजेक्शन खरीदे थे। इसके बाद दोनों ने भी खुद को ब्लैकमेलिंग के शिकार होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस अब दोनों एंगल से मामले की जाँच में जुट गई है। जी मेरे पास मैं संस्था से हूँ, एक उड़ान मासूमों के नाम संस्था से हूँ। मेरे पास किसी मेरे संस्था से फ़ोन आया था, किसी बच्ची का फ़ोन आया था कि भैया मेरे भाई काफ़ी सीरियस है, उनको इंजेक्शन की आवश्यकता है। इसमें अपने चित्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और कहीं से व्यवस्था हो रही है, वो 23000 रुपये इंजेक्शन के मांग रही है। तो आप मेरे को कैसे करके पैसे दो, मैं आपको वापस दे दूँगी। कौन सा इंजेक्शन? ये रेमडेसिविर। तो मैंने कहा आप डरो मत बेटा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पैसा मैं दे दूंगा, आप बताओ कौन क्या है कॉन्टैक्ट नंबर। तो उससे मैंने कॉन्टैक्ट करा, इनकी हेड है कोई लेडीज़ है, GM करके उसका नाम आ रहा है, उसको फ़ोन करा। तो मैंने कहा दीदी मेरे को अर्जेंट इंजेक्शन चाहिए, घबराते हुए मैंने बात करी कि ऐसे तो मेरे को देती नहीं। पहले उसने मेरे को इधर स्वामी कॉम्प्लेक्स पर बुलाया, स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाद उसने कहा आप अजमेर क्लब के इधर आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है दीदी आता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास 5 मिनट यहाँ वेट कराया, फिर मेरे को फ़ोन करा कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा यहीं हूँ। यहाँ आती है बच्ची, आई दोनों आते ही मैंने इनको कहा दीदी इंजेक्शन कि कितने चाहिए भैया अभी आपको। मैंने कहा अभी एक चाहिए, वैसे 4 की नीड है मेरे को, कि 4 की नीड है। मैंने कहा अभी एक चाहिए, कल और एक चाहिए, कि आपको 4 नहीं 10 मिल जाएगा, 23000 रुपये लगेंगे। मैंने 20000 कर दो अभी भी कैसे भी करके, मेरे को गरीब जो मजबूरी है कि नहीं 23 का 23 में मिलेगा आपको, चाहे कितना भी कर लो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को एक संदेश देना चाहूँगा, भैया मैं भी एक आम नागरिक हूँ, आप भी एक आम नागरिक है। हॉस्पिटल के बाहर गरीब मर रहा है, क्यों मर रहा है? ऐसे कालेबाजारी, ये जो रईस के चोचले ऐसे घूम रहे, खुद की रईसाई करने के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा है, कार्रवाई करें। बिल्कुल पुलिस को सत्य ना दिए। एक मिनट हो जाओ भरत। ये सर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोई कालाबाजारी की शिकायत आई थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? COVID-19 बीमारी में रेमडेसिविर की मांग बहुत ज़्यादा चल रही है, इसी मांग के चलते आज कोई सूचना, गुप्त सूचना हुई थी, जिस पर सिविल लाइन्स इलाके में ये जो आप बता रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें सिविल लाइन पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, हमारे कोतवाली थाना से इमदाद चाही गई थी, उस इमदाद के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत क्या थी और कार्रवाई में पुलिस को क्या क्या तथ्य सामने आए? रेमडेसिविर से की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत थी, जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कौन लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये तफ्तीश का विषय है सर, आगे जो भी होगा आगे सामने आएगा। क्या दो युवतियां हिरासत में हैं, उनसे कुछ पूछताछ हुई? ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं। थैंक यू। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।